नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में मैं आपको करवाने वाली हूँ हिंदी व्याकरण में कहानी लेखन। आज मैं आपको एक अच्छी सी कहानी भी सुनाऊंगी और साथ साथ में आपको क्या करना है, उस कहानी में सभी शब्दों को ध्यान से देखना और पढ़ना है, ताकि आप हिंदी को दोहरान कार्य में रखते रहो। घर पे बैठे हो तो क्या करते हो, हिंदी पढ़ने का काम नहीं करते हो ना, उससे क्या हो रहा है, आपकी मात्राएं भी थोड़ी थोड़ी आप भूलते चले जा रहे हो। तो आज हम कहानी भी सुनेंगे और साथ साथ में मात्राओं का दोहरान भी करते चले जाएंगे। और इस कहानी को मैं आपको चित्रों के साथ दिखाने वाली हूँ, ताकि आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और याद भी हो जाए। इस कहानी को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करना है, ठीक है? वैसे ज्यादातर बच्चों ने इस कहानी को सुन रखा होगा, लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कहानी को नहीं सुना होगा, है ना? तो चलो कहानी सुनते हैं और चित्रों को भी देखते हैं। कहानी में देखो, सबसे पहली लाइन मैंने लिखी है, किसी जंगल में एक कछुआ और एक छोटा सा खरगोश रहता था। कौन कौन रहते थे जंगल में? एक कछुआ रहता था और एक खरगोश रहता था। खरगोश को अपनी चाल पर बहुत घमंड था। जैसे कि आप सबको पता है कि कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है एकदम, और खरगोश कैसे चलता है, बहुत तेजी से उछल कूद करते हुए बहुत जल्दी कहीं पे भी पहुंच जाता है। तो जो खरगोश था ना, उसको अपनी चाल पर बहुत घमंड था, बहुत अक्कड़ लगाता था वो अपनी चाल की, कि वो बहुत तेज भाग सकता है, कहीं पे भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है। लेकिन जो कछुआ था वो बहुत धीरे धीरे चलता था। आगे देखो, तीसरी लाइन में हमें दे रखा है कि वह हमेशा कछुए की धीमी चाल का मजाक उड़ाया करता था। अब भगवान ने खरगोश को कैसे बनाया था कि वो बहुत तेज चल सकता है, कहीं पे भी पहुंच सकता है, बहुत तेजी से भागता है, लेकिन जो कछुआ होता है ना, वो बहुत धीरे धीरे चलता है। तो खरगोश क्या करता था, उसकी इसी चाल की, धीमी चाल की, धीमी का मतलब धीरे धीरे, धीमी चाल की बहुत मजाक उड़ाता था। वो उसके बारे में कहता था कि वो बहुत धीरे धीरे चलता है, इसीलिए बार बार उसका मजाक उड़ाता था। चार नंबर पे है, एक दिन कछुए ने कहा, यदि तुम्हें अपनी चाल पर इतना घमंड है तो आओ दौड़ लगाएं और देखें कि कौन जीतता है। कछुए ने क्या कहा कि अगर तुम्हें अपनी चाल पे इतना ही घमंड है तो हम चलो रेस लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। कछुए को बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि मैं इतना धीरे चलता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, खरगोश के साथ में कंपटीशन कर रहा हूँ, दौड़ लगाने के लिए कह रहा हूँ, और वो तो इतना तेज भागता है, मैं हार भी सकता हूँ। लेकिन उसको खुद पे विश्वास था और अपनी समझ पे भी विश्वास था, इसीलिए उसने क्या किया, खरगोश के साथ में दौड़ लगाई, रेस लगाने का निश्चय किया और उसको चैलेंज किया कि अगर तुमको इतना घमंड है अपनी चाल पे तो चलो दौड़ लगा कर देखते हैं और देखते हैं कि कौन जीतेगा। कछुए को खरगोश को कछुए की बात पर हंसी आ गई। जो खरगोश था ना, वो कछुए की इस बात पे हंसने लग गया कि एक तो इतना धीरे चलता है, ऊपर से मेरे साथ में रेस लगाने की बात कर रहा है कि रेस लगाते हैं। उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि तू तो इतना धीरे चलता है, मेरे साथ रेस लगाने की बात भी कर रहा है, इसीलिए वो उसकी बात सुनकर बहुत हंसने लग गया। वो ये सोच रहा था क्या ये मेरे से जीतेगा, इस सोच में उसको हंसी आती चली जा रही थी। आगे देखो, चित्र में हमें दिखा रखा है कि दोनों खरगोश और कछुआ रेस लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वह दौड़ के लिए राजी हो गया और दौड़ शुरू हुई। जो खरगोश था वो राजी हो गया, यानी कि मान गया कि चलो हम दोनों क्या करते हैं, रेस लगाते हैं, और दौड़ शुरू हो गई। और उन्हें दौड़ स्टार्ट करने का निश्चय भी कर लिया कि चलो ऐसे दौड़ लगाएंगे। और अगली लाइन में है, खरगोश बहुत आगे निकल गया, क्योंकि वो बहुत तेज भागता है ना, इसीलिए बहुत आगे निकल गया। उसने सोचा कछुआ तो बहुत पीछे है। उसने जैसे ही दौड़ लगाई तो खरगोश बहुत आगे निकल गया था। उसने मुड़ के देखा, उसने देखा कि जो कछुआ है ना, वो तो भी बहुत पीछे है, थोड़ी देर आराम कर लूं। और उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि मैं क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लूं, क्योंकि वो बहुत तेज भागता है, बहुत आगे निकल गया था। उसने जैसे मुड़ के देखा, उसे देखा कछुआ तो भी बहुत पीछे है, तो उसने सोचा कि चलो अभी इतना पीछे है तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, जैसे ही वो मेरे पास में आएगा मैं तेजी से भाग के अपने लक्ष्य पर पहुंचकर फर्स्ट आ जाऊंगा। तो उसने क्या सोचा कि मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। खरगोश ने ये सोचा कि मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। अब देखो चित्र में दिखा रखा है ना कि खरगोश क्या कर रहा है, सो रहा है बड़े मजे से, और कछुआ उसके पास आ गया है। उसने क्या किया, वह पेड़ के नीचे लेट गया। उसको लग रहा था कि कछुआ तो बहुत दूर है अभी, जब तक वो मेरे पास आएगा ना तब तक तो मेरी एक नींद पूरी हो जाएगी और फिर मैं भाग जाऊंगा और अपनी जगह पर पहुंच के फर्स्ट आ जाऊंगा। ये सोच के वो पेड़ के नीचे लेट गया।
थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। कछुआ धीरे धीरे चलता ही रहा। जैसे ही उसने पेड़ के नीचे सोना शुरू किया, धीरे धीरे उसको नींद आ गई और जो कछुआ था वो धीरे धीरे चलता हुआ उस खरगोश के पास आ गया जहां पे वो सो रहा था। वह निश्चित स्थान पर पहुंच गया और ऐसे धीरे धीरे चलते हुए जहां उन्होंने लक्ष्य तय किया था कि यहाँ पहले पहुंचने वाला फर्स्ट आएगा, तो जो कछुआ था ना वो धीरे धीरे चलता हुआ उस निश्चित स्थान पर पहुंच गया। अगली लाइन है, जब खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कि कछुआ दौड़ जीत चुका है। वह बहुत शर्मिंदा हुआ। क्या हुआ था, देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कछुआ धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जा रहा है और वो अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। और जैसे ही खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कि कछुआ दौड़ जीत चुका है, वो अपने लक्ष्य पर पहुंच गया और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सोता ही रह गया। और वो बहुत शर्मिंदा हुआ, उसे बहुत ज्यादा शर्म आई। उसने सोचा कि ये मैंने क्या किया, मैंने तो अपने चाल पर अपनी जो स्पीड है उस पर इतना घमंड कर लिया और उस घमंड के चक्कर में क्या किया मैंने, मैं सोता ही रह गया। और जो कछुआ था वो अपनी जगह पर पहुंच गया और वो क्या हुआ, फर्स्ट आ गया। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि जो घमंडी का सिर होता है वो नीचा ही होता है। जैसे कि इस कहानी में था, खरगोश को अपनी चाल पे बहुत ज्यादा घमंड था ना, इसीलिए जो उसका सर था वो लास्ट में जब वो रेस हार गया तो उसका सर नीचा हो गया, उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी खुद पर किसी भी, जो भगवान ने हमें चीज दी है कि हम किसी चीज में अच्छे हैं, भागने में हो गए, पढ़ाई में हो गए या किसी और चीज में हम बहुत अच्छे हैं, तो हमें उस चीज पर खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों की जो गुण है उनकी भी हमें तारीफ करनी चाहिए। एक बार कहानी का दोहरान करते हैं, चलिए फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं ना, और आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे इसको ना, ताकि आप मात्राओं का दोहरान करो। किसी जंगल में एक कछुआ था और एक खरगोश रहता था। खरगोश को अपनी चाल पे बहुत घमंड था। वह हमेशा कछुए की धीमी चाल का मजाक उड़ाया करता था। एक दिन कछुए ने कहा, यदि तुम्हें अपनी चाल पर इतना घमंड है तो आओ दौड़ लगाएं और देखें कौन जीतता है। खरगोश को कछुए की बात पर हंसी आ गई। वह दौड़ के लिए राजी हो गया और दौड़ शुरू हुई। खरगोश बहुत आगे निकल गया। उसने सोचा, कछुआ तो अब बहुत पीछे है, थोड़ी देर आराम कर लूं। वह पेड़ के नीचे लेट गया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। कछुआ धीरे धीरे चलता ही रहा। वह निश्चित स्थान पर पहुंच गया। जब खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कि कछुआ दौड़ जीत चुका है। वह बहुत शर्मिंदा हुआ। शिक्षा, घमंडी का सिर नीचा होता है। अच्छी थी ना कहानी कछुआ और खरगोश की। हमने क्या सीखा कहानी से कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों के गुणों की तारीफ करनी चाहिए और जो हमें भगवान ने गुण दिए हैं उन पर घमंड नहीं करना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अपने हिंदी व्याकरण की कॉपी में इस कहानी को नोट डाउन करना है नीट एंड क्लीन राइटिंग में और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मेरी कक्षा में यही समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।